नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। पेरिस ओलंपिक में भारतीय रेसलर विनेश फोगाट स्वर्ण पदक के बहुत नजदीक थी, लेकिन आज उनको अनफिट घोषित कर दिया गया क्योंकि उनका वजन ज्यादा था। भारतीय महिला संघ ने आज उनको घोषित कर दिया कि उनका वजन महज 100 ग्राम ज्यादा था। वो अपने बेहतर प्रदर्शन से भारत के लिए गोल्ड मेडल ला सकती थी, लेकिन पेरिस से जब ये खबर आई तो भारत की करोड़ों जनता सकते में आ गई। तो इसको लेकर आज भारत के संसद भवन में आवाज भी उठी और जमकर इस पर बहस भी हुई। वहीं झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री जब कैबिनेट से बाहर आए तो कैबिनेट से बाहर आने के बाद उन्होंने भी दुख व्यतीत किया और कहा कि उनके साथ गलत हुआ है। साथ में इरफान अंसारी जो झारखंड सरकार के कैबिनेट में मंत्री हैं, वो भी कहते नजर आ रहे हैं कि अगर एक गिलास कोई पानी भी पी ले तो उनका वजन 50 ग्राम बढ़ जाएगा। तो ऐसे में झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री और इरफान अंसारी मंत्री क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए सुनिए। ओलंपिक्स में विनेश फोगाट के साथ गलत हुआ, सोना जीत रही थी और अभी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। देखिए, चलते चबल चलते मैंने ये बात सुनी है, लेकिन ये बड़ा आश्चर्य की बात है। और मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी वेइंग मशीन में 10 बार तुरंत चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो, तो मुझे लगता है 2-4-5 ग्राम तो आप आगे पीछे हो ही जाएंगे, होंगे कि नहीं, जरा बताइए आप लोग। तो अंदर खाने क्या है ये समय पर पता चलेगा, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाला खबर है। और थोड़ा देखते हैं और क्या इस पर चीजें सामने उभर के आती है। विभाग है, मैं देश के प्रधानमंत्री को कहूँगा, बहुत शक्तिशाली आप हैं, हमारी बहन के साथ इतना अपमानित किया गया, बताइए साहब। अब कोई भी अगर मान लीजिए हमारा अभी वेट है, अगर हम पानी पी लिए मान लीजिए, तो 100 ग्राम 200 ग्राम तो बढ़ ही सकता है। तो आप नीचा दिखाने का काम किया गया है, हमारी बहनों का मनोबल तोड़ने का काम किया गया है। और हमें तो लगता है कि देखिए जिस प्रकार से है ना, सारी बातें आने दीजिए, अब इस पर मैं क्या बोलूँ, वर्ल्ड की बात है, ओलंपिक की बात है, तो फिर निश्चित तौर पर मैं कहूँगा वेट एंड वॉच सत्य की जीत होगी और हमें लगता है कि हम लोग मेडल हमको वापस मिलेगा। तो देखा अभी आपने कि झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। वो साफ तौर पर कह रहे थे कि इसमें केंद्र की सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि जो भारत की बेटी के साथ गलत हुआ है उन्हें न्याय मिल सके, और इसमें अभी मामला और तह तक जाना है ताकि पता चलेगा कि और कहां क्या फॉल्ट था, तभी जाकर विनेश फोगाट को इंसाफ मिल पाएगा। लेकिन इससे अभी पूरे देश सकते में है कि भारत गोल्ड मेडल से पीछे हो गया है। ऐसे इन तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार दर्शन, रांची।